शिक्षा के साथ साथ भगवान ईश्वर अल्लाह के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा भी रखनी जरूरी है, जिससे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मन प्रसन्न होता है और शिक्षा ग्रहण करने में भी एक अलग ही जज्बा पैदा होता है। कुछ ऐसी ही बातें जहानाबाद के एरोड्राम में अवस्थित एमपीसी विद्यालय में एक मोटिवेशनल कार्यक्रम के दौरान कही जा रही थी। एमपीसी विद्यालय में प्रेरणादायक मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार, वरिष्ठ शिक्षक भगवान सर के अलावा अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद होकर छात्र छात्राओं को जीवन में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। साथ ही साथ एक खास संदेश बच्चों को ये भी दिया जा रहा था कि शिक्षा के साथ साथ भगवान ईश्वर अल्लाह को हमेशा याद रखें, ताकि आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस अवसर पर हनुमान जी की स्तुति की गई। तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। माहौल काफी भक्तिमय था। सभी बच्चे अपने हाथों में हनुमान चालीसा का पुस्तक लेकर पाठ में लीन दिखे। इस मौके पर एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि निश्चित ही कोरोना की वजह से शिक्षा का नुकसान हुआ था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा थी एवं शिक्षकों छात्र छात्राओं की मेहनत कि अब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह धरातल पर आ गया। साथ ही साथ प्रमोद कुमार ने यह भी बताया कि प्रत्येक शनिवार को छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया जाता है, ताकि बच्चों को हर हाल में सफलता उनके कदम चूमे। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। तो क्यों ना हम अपने कर्म के साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करें। यह सत्य है, जिसने सच्चे मन से आराधना किया, ईश्वर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। इस बात की प्रामाणिकता रामकृष्ण परमहंस ने दिया कि जब उन्होंने सच्चे मन से मां काली की आराधना किया, मां काली उनके सम्मुख प्रकट हो गई और उनके द्वारा दिया गया प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया। शुभ दिन पर मोटिवेशनल के कार्यक्रम रखे हैं, आज इसमें हम बच्चों को दिमाग को शार्प करना भी चाहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। और जो इंसान कोई भी
कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, जो भी अपने प्रभु को याद करे, अल्लाह को याद करे, तो उसका कभी क्षति नहीं होता और दुर्गम से दुर्गम काम भी आसान हो जाता है। जिस तरह से हम देखें कि 2 साल कोरोना काल रहा, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स बहुत काफ़ी इनकी क्षति हुई, पढ़ाई में क्षति हुई, मगर जैसे ही स्कूल खुला, मैंने एक चीज़ देखा कि हर शनिवार और मंगलवार को हमने हनुमान चालीसा का पाठ विद्यालय में आरंभ किया और आज हम देख रहे हैं उसका इतना बड़ा नतीजा, इतना बड़ा फायदा कि जो लड़के अपने कार्य से पीछे थे उनका भी कार्य हम देख रहे हैं कि निरंतर सही चल रहा है। और दूसरी बात कि जो लेसन हमारा था वो लेसन विधिवत अभी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी तरीके से हमारे टीचर भी, बच्चे भी और खुद मैं रहकर अपने विद्यालय पे कड़ा निरीक्षण कर देखा कि नहीं, हमारा बच्चा, हमारे शिक्षक भी सब अपने कार्य में पूर्णता सही चल रहे हैं। और कहा जाता है ना सर कि जब जगा जब सवेरा है, एक कहावत है कि जब जगिएगा जब सवेरा है। अरे 2 साल हम जाने कि 2 साल रात था, रात्रि में तो सोया ही जाता है तो काम कहाँ से होगा। और अब कोरोना काल खत्म हुआ और एक बहुत अच्छा माहौल विद्यालय के लिए भी है और विद्यालय परिवार के लिए भी है, हमारे गार्जियनों के लिए भी है, बहुत उत्साहित हैं, ललायित हैं। हमने बहुत सारे स्कूल कहता है कि हमारा ये डैमेज हुआ, नहीं डैमेज कहाँ हुआ। सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट ये रहा सर कि हर साल 100% बुक्स नहीं जाती थी, इतना जल्दी लोग नहीं लेते थे, मगर इस बार 100% सारे बच्चे किताब लिए और हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि बच्चे लगन से पढ़ रहे हैं, एक एनर्जी आ गया उनमें। और ये सब देन भगवान की कृपा मानते हैं जो हम शनिवार मंगलवार को जो पाठ करवाते हैं हर बच्चों के द्वारा, हर बच्चा हनुमान चालीसा मन से पढ़ता है। हाँ, हम मुस्लिम भाइयों को भी कहते हैं कि देखिए जाति पाति मत है, ये जात पात तो एक बंधन है। हाँ, अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं आप उस समय हाथ जोड़कर अल्लाह को ही याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। क्या क्या निर्देश दिया जा रहा है बच्चों को? बच्चों को निर्देश दिया जा रहा है सर कि आप भक्ति भाव में भी लीन रहे हैं, पढ़ाई तो भाई अपना मायने रखता है मगर भक्ति में जो भी इंसान रहता है ना सर, हम देखें सर, हम तो भाई 500 रुपये वाला आदमी है, 500 रुपये से स्कूल स्टार्ट किए थे और आज हम देख रहे हैं, अब पैसा कभी नहीं देखते मगर ये देख रहे हैं ना कि लगन हो, मेहनत हो और साथ ही साथ अगर दिल में भक्ति भाव हो तो सदा उसका जय होता है। माता रानी का दिन, बजरंग बली का दिन है, आवाज चल रहा है अपना मुकाम पे। गर्मी की छुट्टी के लिए बच्चों को क्या? गर्मी की छुट्टी में सर बच्चों को यही नसीहत देंगे कि जो भी पाठ इनको पढ़ाया गया है चाहे जो भी वर्क दिया जाएगा उससे अच्छी तरह पूरा किया जाए। और अगर सर गर्मी की छुट्टी विशेष तौर पे ज़्यादा दिन हम नहीं, 10 से 12 दिन हम देते हैं, हर साल देते हैं और अभी कोशिश भी नहीं रहेगा कि अभी छुट्टी दिया जाए। हाँ, सरकार का ऑर्डर अगर आती है, अगर अत्यधिक गर्मी आती है तभी छुट्टी विद्यालय में होगी, अगर गर्मी नहीं आती है तो ये ना के बराबर होगा। क्योंकि हम भी समझ रहे हैं ना कि अभी देखिए सर कंटिन्यू जो क्लास खुली है और इस सेशन में हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी कोई इतनी बंदी नहीं, तो जब 2 माह में इतना अच्छा प्रोग्रेस बच्चा कर सकता है अब फिर इसको हम बाधित करें बंद करके, ये हम अच्छा नहीं लगता। हाँ, गर्मी की छुट्टी होगी तो बच्चों में यही प्रेरणा दिया जाएगा कि भाई आप जो भी पाठ दिया गया उसको याद करो। और आज हमारा बच्चा भी तत्परता से हमारी बात को मानता है।